सुनो, सुबह से मैं एक बात पूछनी चाह रहा था आपसे। सुबह से लैपटॉप में घुसे खा लेते हो, बस बैठ जाते फिर उसी में घुस जाते हो। तो पूछो ना, क्या बात है? अब दिन भर अपना काम छोड़ के हम तुम्हारी बात क्या सुने, बताओ। और सुबह से चिल्ला कर रह गए, अभी 112 डायल किया ना, तो अभी सब सुन लोगे बैठ के एक ही बार में। सुबह से लैपटॉप चल रहा आपका, अभी बंद हो जाएगा, हंसो मत। 112 नंबर डायल करके क्या करोगी, बंद कराओगी क्या हमको? ये मत सोचो कि हम जानते नहीं 112 कब डायल किया था, मजाक कर रहे थे क्योंकि आप बात नहीं सुन रहे थे मेरी। हाँ तो बताओ क्या बात है भैया, 112 ना डायल करो, अभी तो यहीं बैठे हैं, फिर पता नहीं कहाँ बैठा दोगी। अच्छा ये बताओ, ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है क्या? अच्छा तो ये बात पूछनी थी, तो मैं देखो बता देता हूँ, कन्नौज पुलिस ने मिशन शक्ति कार्यक्रम चला रखा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही उनके लिए, और जो लड़कियां रोजगार के लिए मतलब आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, तो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है, इससे तुम भी जुड़ सकती हो। अच्छा ये मिशन शक्ति कार्यक्रम ये है, तो सही है। इतना सब तो कर ही रही है, साथ ही साथ जो लड़कियों के साथ गलत होता है, सुरक्षा है, सम्मान है, आत्मनिर्भर बनाना है, ये सब तो है ही, लेकिन जो गलत हो रहा ना उसके लिए भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सब चीजों के बारे में लोगों को बता रही, ताकि किसी महिला को, लड़की को जरूरत हो ना तो कम से कम वो कॉल करके उनपे बात कर सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो बहुत सारी लड़कियों की, बेचारी औरतों की जिंदगी बच जाएगी। कोई सड़क पे रो रहा, कोई घर में रो रहा, सब कुछ है तब भी आदमी कष्ट दे रहा, तो कम से कम ये सुविधा हो जाएगी ना, तो आदमी लस जाता है ना, और तो तभी लसता है। ये तो अच्छा कार्यक्रम चल रहा। हाँ तो अब तो मैं समझ में आ गया, मतलब कि ठीक है, तो यही चीज है, अब जैसे बाल विवाह है, अब लड़कियों को पढ़ने से रोकना है, बहू पढ़ी लिखी चाहिए लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, ठीक है, तो ये सब चीजें कार्यक्रम चला रही, ताकि कन्नौज पुलिस महिलाओं की जो है सुरक्षा व्यवस्था सही कर सके, उनको आगे बढ़ने में सहयोग कर सके, समझ गई? अच्छा मेरी भी एक बात सुनो, बोलो क्या? हाँ बताओ क्या। मेरी मम्मी ने क्या नहीं किया? बेशक पहले नहीं इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई स्कूल इतना ज़्यादा नहीं थे, मतलब नहीं गई, पर मुझे जितना पढ़ाया उतना पढ़ाया, और पढ़ाना भी चाहिए, जितनी गुंजाइश होती माँ बाप उतना पढ़ाते हैं, पर और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ सके, आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बताओ कल बच्चे, फिर परिवार चलाना, ये सब चीज़ें, दवा लाना, ज़रूरी नहीं आदमी घर में हमेशा बैठा रहे। औरतों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी, लड़कियों को, जब लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा, तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बात तो तुम्हारी पूरी तरह सही है, अब देखो 112 जो है पुलिस लाइन, पुलिस के लिए डायल कर दो, तुरंत तुरंत घर में पुलिस आ जाती है, ठीक है, पढ़ाई के लिए महिला शक्ति जो मिशन शक्ति चला रखा है उसके जरिए बहुत सारी महिलाओं का भला हो रहा है, ठीक है, और 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर तो है ही, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है, पहले के समय में जो था वो आज नहीं है, पहले लोग लड़कियों को दबाते थे, मारते थे, अब तो हर तरफ हर कोई सहयोग कर रहा है ना, तो लड़कियों को क्या है संकोच छोड़ के आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं तभी कुछ ना कुछ हो सकेगा, समझ गए? पर एक बात बताएं आपको, बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका घुटनों में दिमाग चढ़ा है, उनको समझ ही नहीं आता कि लड़कियों को पढ़ाना और घर चलाना, उन्हें पता ही क्या कि पढ़ाना, पढ़ाने से लड़के होता का, पढ़ाने से बहुत कुछ मिलता है, नहीं पढ़ाओगे बेचारे कैसे जाएंगे, उन्हें जब पता ही नहीं है कहाँ का रास्ता कहाँ है आजकल।